दोस्तों, मई का महीना खत्म होते ही कुछ दिनों में जून का महीना शुरू होने वाला है। हर महीने की तरह ये महीना भी फिल्मों के मामले में काफी स्पेशल रहने वाला है। जून के महीने में बॉलीवुड और साउथ सिनेमा के कई बड़े कलाकारों की फिल्में रिलीज होने वाली हैं। जून में रिलीज होने वाली फिल्मों के बारे में जानने के बाद आप पिछली सभी बड़ी फिल्मों को भूल जाओगे। इन सभी फिल्मों का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बॉलीवुड और साउथ की टोटल 16 फिल्में इस जून के महीने में रिलीज हो रही हैं। सभी फिल्मों के बारे में आपको डिटेल्स वाइज बताना शुरू करता हूँ। उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोज आपको समय टू समय मिलती रहें। हमेशा की तरह हम महीने के लास्ट से वीडियो को शुरू करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं 28 जून की। इस दिन टोटल 5 फिल्में रिलीज होंगी। नंबर 1, इश्क विश्क रीबाउंड। साल 2003 में आई शाहिद कपूर और अमृता राव की फिल्म इश्क विश्क का यह सीक्वल है, जो 28 जून को रिलीज होगा। इस फिल्म के जरिए ऋतिक रोशन की कजिन बहन पश्मीना रोशन का भी डेब्यू हो रहा है। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसकी स्टार कास्ट पूरी तरह से रिप्लेस कर दी गई है। नंबर 2, राक्षस राजा। जी हाँ, राणा दगुपति यानी बाहुबली का भल्लाल देव इस फिल्म का लीड हीरो है। तेजा के डायरेक्शन वाली ये एक गैंगस्टर ड्रामा फिल्म है। तेलुगु के अलावा तमिल और हिंदी में भी इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा। नंबर 3, डकैत। अदीवी और श्रुति हसन की ये रोमांटिक एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इसके डायरेक्टर शकील देव हैं। इस फिल्म की कहानी डकैतों के इर्द गिर्द बुनी गई है, जिसमें दो कपल्स की स्टोरी को भी ऐड किया गया है। हिंदी और तेलुगु में इसे एक साथ शूट किया गया है, जिसकी फिलहाल रिलीज डेट 28 जून है। और हाँ, नागो अर्जुन भी इस फिल्म में नजर आने वाले हैं। नंबर 4, जट एंड जूलियट 3। ये एक पंजाबी कॉमेडी फिल्म है जिसमें लीड एक्टर दिलजीत दोसांझ और नीरू बाजवा है। ये भी एक लव स्टोरी फिल्म है जो 28 जून को रिलीज हो रही है। पुलिस डिपार्टमेंट की ऑफिसर है, इडियट। ओ, तू शपाटेड है। नंबर 5, कुकी। जी हाँ, ये फिल्म काफी स्पेशल है, वो इसलिए क्योंकि ये आसाम राज्य की एक फिल्म है जो कि हिंदी फिल्म है। इस फिल्म में एक 16 साल की लड़की के साथ हुए बलात्कार के दर्द को दिखाया जाएगा। वहीं इस मूवी के जरिए असम की संस्कृति के बारे में भी दिखाया जाएगा। इस फिल्म की कहानी एक लड़की के जीवन संघर्ष, प्रेम कहानी और कई मुश्किलों को उजागर करेगी। 28 जून को ये फिल्म भी रिलीज हो रही है। अब बात करते हैं 27 जून की। इस दिन सिर्फ एक फिल्म रिलीज होगी, कल्कि 2898 AD। जी हाँ, इस फिल्म में धरती के एक फिक्शनल दौर की कहानी दिखाई जाएगी। इस फिल्म में कुछ ऐसा दिखाया जाएगा जैसे सृष्टि का अंत होने वाला है और इसे बचाने के लिए भगवान के किसी दूत का जन्म सुपर हीरो के तौर पर हुआ हो। वो सुपर हीरो प्रभास होंगे जो फिल्म में भैरव का रोल निभा रहे हैं। फिल्म में दीपिका पादुकोण का रोल भी इस बार सबसे अलग रहेगा। वहीं अमिताभ बच्चन आशुधामा के रोल निभा रहे हैं। इस फिल्म में इंडियन माइथोलॉजी की झलक भरपूर मात्रा में देखने को मिलने वाली है। फिल्म में कमल हसन काली नाम के विलन का रोल करेगा। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कलयुग का अंत तब होगा जब धरती पर पाप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जब कलयुग में काली का आतंक बढ़ेगा, तब भगवान विष्णु के आखिरी अवतार कल्कि का जन्म होगा। फिल्म में कमल हसन उसी काली नाम के राक्षस का रोल निभा रहे हैं। इसमें भी आदि पुरुष की तरह ही टेक्नोलॉजी का रोल देखने को मिलेगा। डिपेंड करता है मेकर्स फिल्म को दर्शकों के सामने किस तरह पेश करते हैं। आप सबको क्या लगता है, क्या ये फिल्म भी आदि पुरुष की तरह डिजास्टर हो जाएगी या इस बार प्रभास का करियर बच पाएगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। 27 जून को ये फिल्म रिलीज होने वाली है। कहाँ है रक्षक, कहाँ छुपे बैठे हैं एजरोथ के रखवाले। अब बात करते हैं 26 जून की। इस दिन दो फिल्में रिलीज होंगी। नंबर 1, थंगालन। विक्रम की ये फिल्म वास्तविक जीवन पर आधारित है। ये एक दमदार फिल्म है। इस फिल्म में कोलार गोल्ड फील्ड्स यानी KGF की वास्तविक कहानी को दिखाया जाएगा। प्राचीन काल में KGF की वजह से भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अंग्रेजों ने KGF खदानों पर छापा मारा और 900 टन से भी ज़्यादा सोना इंग्लैंड ले गए। इस कहानी से भारत में ज़्यादातर लोग अनजान हैं। थंगालन की यही स्टोरी लाइन रहने वाली है। इस फिल्म की रिलीज डेट को फिलहाल आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अभी इसकी रिलीज डेट 26 जून है।
नंबर टू विडुथलई। जी हाँ, विजय सेतुपति की ये फिल्म है, ये एक पीरियड क्राइम थ्रिलर फिल्म है। इसका पहला पार्ट पहले ही रिलीज किया जा चुका है, जिसे देखने के बाद आपको ये फिल्म जरूर समझ आ जाएगी। नेक्स्ट है 15 जून। इस दिन बड़ी फिल्म रिलीज होगी जिसमें लीड एक्टर अल्लू श्रीश हैं, जो अल्लू अर्जुन के भाई हैं। 15 जून इसकी रिलीज डेट है। अब चलते हैं 14 जून की तरफ। इस दिन टोटल 5 फिल्में रिलीज होने वाली हैं। नंबर 1 चंदू चैंपियन। जी हाँ, कबीर खान की ये फिल्म काफ़ी स्पेशल है। कार्तिक आर्यन एक ऐसे आदमी का रोल निभा रहे हैं जिसे कुश्ती के मुकाबले की वजह से घर से भागना पड़ा था। वो था मुरलीकांत पेटकर। मुरलीकांत पेटकर गोल्ड मेडल विनर है, जिन्होंने 1970 के राष्ट्रमंडल खेलों में और 1972 में जर्मनी में हुए पैरालंपिक में भारत का नाम रोशन किया था। इन्हीं पर बेस्ड ये फिल्म है। श्रद्धा कपूर, कैटरीना कैफ के अलावा फिल्म में राजपाल यादव भी नजर आने वाले हैं। 14 जून को ये फिल्म रिलीज हो रही है। नंबर 2 इमरजेंसी। ये एक बॉलीवुड ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण कंगना रनौत ने ही किया है। फिल्म में कंगना इंदिरा गांधी का रोल निभा रही है। फिल्म 1975 में हुई सच्ची घटनाओं पर आधारित है। फिल्म में अनुपम खेर जयप्रकाश नारायण के रोल में रहेंगे, वहीं सुरेश तलपड़े अटल जी के रोल में नजर आएंगे। 14 जून को ही इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा। इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। नंबर 3 ओडेला 2। जी हाँ, तमन्ना भाटिया की ये फिल्म है। ये फिल्म मल्लन्ना स्वामी नाम के एक ऐसे शख्स की कहानी बयां करेगी जो पूरे गाँव को बुरी ताकतों से बचाता है। अशोक तेजा के डायरेक्शन वाली इस फिल्म में तमन्ना भाटिया शिव भक्त का रोल निभा रही है। 14 जून को ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है। नंबर 4 राम। ये एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें मलयाली स्टार मोहनलाल और त्रिशा कृष्णन नजर आने वाले हैं। नंबर 5 टाइसन नायडू। ये भी एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें लीड एक्टर बेलम कोंडा श्रीनिवास हैं। 14 जून को ये 5 फिल्में एक साथ रिलीज होने वाली हैं। अब चलते हैं 13 जून की तरफ। इस दिन धनुष की रायण फिल्म रिलीज होगी। इस फिल्म को खुद धनुष ने ही डायरेक्ट किया है। AR रहमान का इसमें म्यूजिक है। इस फिल्म की कहानी एक रायण नाम के लड़के पर आधारित है, जो अपने परिवार की हत्याओं के लिए जिम्मेदार लोगों की तलाश करने के बाद आपराधिक अंडरवर्ल्ड में पहुंच जाता है। 13 जून को ये फिल्म रिलीज होने वाली है। नेक्स्ट है 7 जून। जी हाँ, इस दिन हम दो हमारे 12 फिल्म रिलीज होगी। इस फिल्म का नाम बदलकर अब हमारे 12 कर दिया गया है, जो कि सेंसर बोर्ड की देखरेख में हुआ है। फिल्म की कहानी एक गंभीर टॉपिक पर है और वो टॉपिक है भारत में तेजी से बढ़ती आबादी। 7 जून को ये फिल्म रिलीज होने वाली है। इस तरह से जून के महीने में टोटल ये 16 फिल्में रिलीज होने वाली हैं। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।